एक महिला बहुत खुश है इस बिल के फ्लोर होने से पार्लियामेंट में, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच का परिचायक है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता भी है, वो किसी भी जाति की हो, वो किसी भी वर्ग की हो, वो किसी भी जो है समाज से बिलोंग करती हो, वो किसी भी धर्म विशेष की हो, मगर अगर वो महिला है तो उसको आरक्षण मिलेगा। बहुत अच्छी बात इस बिल की ये है जो आ रही है कि भाई लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, इन सभी जगह में और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ये आरक्षण लागू होगा। तो मुझे लगता है कि जब देश के संविधान जहाँ बनता है और जहाँ पर लॉ पास होते हैं, उस जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है, ये मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया है। जा सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं, और मुझे, और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी महिलाओं को भी उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है।